और दोस्तों छोटे से गांव का छोटा सा ब्लॉगर खेती बाड़ी करते हैं और आगे बढ़ने के लिए किसी का साथ चाहिए, प्लीज आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना किसान भाई के लिए। सब मैं कब तक दूसरी वाली खेत को थोड़ा सही कर दूँ और खा दिए ना, मतलब सुबह से मेरे जाते लगे हुए इतने में बिल्कुल जीरो जीरो, जैसे यहाँ पे मकान बनाएंगे नहीं घर बड़ा ग्राउंड से छोटो। हेलो हाय फ्रेंड, मैं आपका राजेश, मैं आशा करता हूँ आप भी मेरे तरह अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज देख सकते हो ये हमारा गांव नहीं है, कहीं और है, और आया हूँ लेबर लेने, मतलब खेतों के लिए। दो चार दिन से इतना परेशान हो रहा हूँ क्या ही बताऊँ, वीडियो बनाने के टाइम नहीं मिला। एक तो ट्रैक्टर खेत में जो खेत सही करने के लिए ट्रैक्टर के पीछे दो तीन दिन लगा, फिर लेबर के पीछे लगा, और उनके घर पे बैठा हूँ सुबह 5-6 बजे से आगे। चलो देखते कब जाएंगे, दो तीन जने को कहा था उन लोग गए नहीं, मतलब कहते आज जाऊँगा पर जाते ही नहीं है। पर दो तीन जने को कहा था, मैंने कहा 6-7 जने कर लेना, पर वो लोग गए नहीं, कोई और मतलब 3-4 जने को कह रखे उनके साथ जाऊँगा लेके। चलो दोस्तों सुबह से लेके बैठा हुआ हूँ और दो तीन दिन से चक्कर काट रहा हूँ, दो दिन से दुकान बंद है। ये रहा नरेश और इनके गांव, यहीं से ही जाते हैं काम के लिए, जो धान की जो छोटे छोटे पौधा ना उगाने के लिए बड़ी वाली खेत में। और मैं 6 बजे से आके बैठा हूँ क्योंकि पता है ये कहते तो हैं कल जाएंगे, पर जब आओगे ना सुबह पता लगा है नहीं, किसी और के काम पे चले गए, तभी इनके घर पे आके बैठना होता है। पर हमारी कुल मिला कि एक दिन का काम होगा और 6-7 जने बोला था, 5 जने हुए हैं, देखते हैं। उन्हें कहे हम सारे ख़त्म कर देंगे, हमें एक जने का दिहाड़ी एक्स्ट्रा दे देना, चलो जो भी है लेट होगा करके ख़त्म करके ही आएंगे, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों कुछ इनके गांव का ऐसा माहौल है, देख सकते हो यहीं पर ही रहते हैं सब लोग। और भाई इसे देखो, इस बंदे को छोटे से बच्चे को मैं ले गया था कल काम पे, मतलब कि जो छोटे वाले धान की चारा होता ना एक एक खेत में लगा उगाए हैं, उस थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो दूसरी खेत के लिए ले जाना होता है, तो कोई बड़े वाले मिले नहीं, जितने सारे कहे थे कोई गए नहीं, इस मारे छोटे से को ले गया। काम बड़ों की तरह करा, बड़े जितना करते हैं उतना ही करा। इधर आए गड़ा, मतलब जितने बड़े आदमी कर रहे हैं उतने काम करा, उसे पैसे भी नहीं दिया, मैं आज दूंगा, शर्म आ रहा है उसे। और दो चुंगू मुंगू हमारे ब्लैकी के दोस्त, ओए हेलो हाँ हाय खाइब, ए डरी गल रे आ जा, क्या हो गया जाइल ठकिल, माने दि दिन ठू आमको कहले घर बस बस के सकाल आसिले इना कोन आमे जीवन आब तुम पे लोक कर दे ठक, से हूँ एक नंबर ठक, ये पछरे गले ओ हौ। बाकी गोटे काम भल कर लोक, मतलब एक काम अच्छा करे हैं ये लोग तो गए नहीं, पर दूसरे हमारे लिए मतलब 4-5 जने कहीं और जुगाड़ कर लिए हैं जाने के लिए काम के लिए। चलो कोई धन्यवाद, हाँ बसी हब ठकिले ये लोग बुझे बर्तन, ये हमें मतलब धोखा दे दिए और दूसरे बंदे कर रहे जाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, जैसे जो अगर नहीं करे इनको ले जाएंगे जबरदस्ती ना, मुँह कहते कि तुम ठकिल बुझल, तुम्हें जो लोक न देव तुमको जबरदस्ती नब। हाँ चल दोस्तों पहुँच चुके दवाई के घर में, जो खेतों में दवाई वगैरह गिराएंगे गिरा यहाँ से मिलती है, पूरा भरा पड़ा स्मेल, अलग ही स्मेल आ रहा अंदर आके,
और यहाँ पे दवाई वगैरह रखा है उनके सब साइड में। दोस्तों फिलहाल खेतों में पहुँच चुका हूँ और देख सकते हो मेरा खेत, ये धान की जो गुच्छे हैं छोटे छोटे पेड़ के उगे रखा हूँ और ये काम कर रहे हैं लोग। और ये जितने सारे रात को तो मतलब रात को ट्रैक्टर लाए थे इसमें दिखाई नहीं दिया, तो खेत जोतने के लिए तो जितने सारे उधड़ खदड़ मिट्टी थे वो सारे मैंने इससे सही करा। अभी दूसरे वाले खेत पे भी जाऊंगा करूंगा। देख सकते हो 5 जने लाए, 8 जने कहा था और मिले नहीं, कहीं और चले गए। जरा इशारा पानी खाली करके दवाई करूँगा, इधर से पानी जा रहा है। दोस्तों ऐसे ही खेतों की काम होता है, बहुत तकलीफ वाला काम है। दुकान पर बैठ के तो हम तो आराम से करते हैं, पर जो खेती बाड़ी करते हैं ना दोस्तों, उन्हीं को पता है कितना मेहनत का काम है। जो खेती वगैरह नहीं करते ऑफिस वगैरह में करते, वो तो आराम से चावल या गेहूँ रोटी वगैरह आटा वगैरह खरीद लेते हैं, पर उसके पीछे कितना मेहनत, किसान की कितनी मेहनत आपको क्या पता है। जो खेतों में काम करते हैं वही लोग वो दुख वो दर्द समझते होंगे। कहने में तो हर कोई कहता है क्या करते हैं, पर मेन तकलीफ मेरे हिसाब से यही वाला काम है। चलता हूँ दोस्तों मैं अब दूसरी वाली खेत में। ये लोग जब तक सारे में बोएंगे मैं तब तक दूसरी वाली खेत को थोड़ा सही कर दूँ और खाद ये रहे। और एक चाचू है हमारे गांव के, वो भी आए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक बार धान लाते हैं, धान के पौधे, फिर बैठ जाते हैं। अब दोस्तों इसी वाले ये जो उधड़ गुधड़ दिख रहे ना सारे सारे सही करूँगा अब मैं। क्या करूँ, रात को ट्रैक्टर आया, पूरा दिन भर पीछे उसके लग मतलब पीछे लग लग का लग लग का, शाम को रात को 8 बजे आया। नहीं तो अगर दिन होता तो ये उधड़ कधड़ नहीं होते, सारे साइज हो जाते। अब क्या कर सकते हैं, जैसे हम उसके पीछे पड़े और भी किसान उन्हीं के ट्रैक्टर के पीछे पर लगे हुए हैं कि भाई हमारा की कर लो। नखिया दा मैं यहाँ कम कौन कर आसिक बुलूँ मैंने हद हो गया यार। मैंने मुझे दुकान को जी दोस्तों मैं दुकान जाऊँगा और एक चाचू को लाए हैं चारा फेंकने के लिए। ये साला देख रहा है जैसे मैं आ गया काम पे, ये आराम से खड़े होकर देख रहा, मतलब मैं काम कर रहा हूँ। यार पानीटा ये करो करो जीव जाओ एना पूरा नेरा ओदा है ना, ना था जो दरकार है करू पानी छाड़े ना करू छाड़े। हाँ उठ 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 बुझल ये टे बंधे दे बंधे दौड़ करणी गज आणवि दादा, करणी गज आणवि फटो उठनि सका लगे मतलब सुबह से मेरे चाचू लगे हुए इतने में बिल्कुल जीरो जीरो, जैसे यहाँ पे मकान बनाएंगे नहीं घर बनाओगे। ये खुड़ी छिड़ा है कि देखु सका 4 मतलब चाची हमारे देख रहे और चाचू हमारे सुबह 4 बजे से लगा, मतलब साइज है हमारी तरह उधड़ कुधड़ होगा तो वहीं पे गिर जाएंगे तभी, मतलब उसको चारों तरफ क्या जरूरत है। लौंडा आर्मी
जॉब कर इधर आर्मी में, इधर आके खेतों में कर रहे। नहीं लौंडा तुम्हारा आर्मी में और तुम उधर खेती बाड़ी में तो लटर पट रहे हो रहे हो। चाचू देखो दो चार लेके जा रहे हैं दादा, ऐसा एमती ना कते दिन जाए नब चार चारिटा मैं एडे बड़ दिह नहीं कि चार्टा नहीं दादाटा पूरा कोड़ियाटा पूरा कोड़िया तुमठू तो मुँह अधिका नहीं पेंगे पेंगे चल। चलो दोस्तों इसी तरह हम लोग भी कल वहाँ पे ये कर रहे थे और कुछ ऐसी माहौल खेत का देख सकते हो। खोई नहीं मतलब तमाकू नहीं पुड़िया पुड़िया इसी तरह का मतलब कल हमने हमारी उस वाले खेत में जो दिख रहा है वहाँ कर चुके थे। हाँ सवास इसी तरह पहले से खेत लगाते हैं फिर धान इसमें चारों तरफ बिछा के मतलब इसमें छोटा छोटा चारा हो जाएगा ना उसको काट के इसी तरह बंडल बना के इस तरह बंडल बना के और ये वाले खेत जो इसमें लगी जैसे वो दिखाया ना आपको वीडियो में औरत वगैरह लगे हुए हैं बोने के लिए ऐसे पूरी खेत में ये करेंगे फिर बड़ा होने के बाद धान काटेंगे और क्या जैसे उस तरह ये लगा रखे हैं। मतलब दोस्तों इसी तरह पूरा दिन भर करेंगे ये लोग ऐसे छोटे छोटे बंडल बना के रखेंगे फिर आके हम लोग खेती में ले जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है सही बताऊँ बहुत ज़्यादा तकलीफ का काम वो थोड़ा पानी में कर रहे और एक चीज़ पानी के अंदर और एक चीज़ खतरा है ये जो कीड़े वगैरह होते हैं ना काले वाले ब्लैक खून चूसने वाले वो भी लग जाते हैं मतलब मेरे को तो खूब डर लगता है। और जो मतलब पेड़ काटने वाले के दिखाया था वीडियो में छोटा सा शायद ये देख लो ये वाला यही जो कीड़ा होता है पेड़ को भी काट लेता है। मैं आपको दिखाऊँगा मेरे पेड़ पूरा है ही नहीं पूरा दो दो आठ दस जगह से मतलब फाड़ चुके हैं काट रहे थे मतलब साइड में ये खून चूसने वाले कीड़े होते हैं इसी तरह बहुत मेहनत का काम है दोस्तों खेती बाड़ी। प्लीज़ लाइक शेयर दबा के करो सब्सक्राइब दबा के करो तुम्हारे किसान भाई के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। आप लोग तो बाहर के चिकने विकने बाइकरों को बहुत सपोर्ट करते हो देखते हैं किसान की किसान को कौन सपोर्ट करता है किसान के साथ कौन है। लव यू ऑल जय किसान। दोस्तों देखो सबसे तकलीफ का काम है खेती बाड़ी काम करना सही बात है नहीं बहुत मेहनत का काम है और ये लोग तो कर चुके मतलब हमेशा कर ही आते हैं उनको पता ही नहीं लग रहा मतलब उनका शरीर पूरा सेट हो चुका हमें ही पता लग रहा है मतलब इतनी तकलीफ क्या ही बताओ। और दोस्तों छोटे से गांव का छोटा सा ब्लॉगर खेती बाड़ी करते हैं प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करो आगे बढ़ने के लिए किसी का साथ चाहिए प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना किसान भाई के लिए सब्सक्राइब जरूर करना लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा दबा के करना। छोटा सा वीडियो था गांव के इसी तरह का गांव के रिलेटिव वीडियो आते रहेंगे आप लोग ऐसे प्यार बरसाते रहो मस्त मस्त वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा ढूंढान के किधर से। चलो इतने में ही रखते हैं अब दुकान जाने का टाइम हो गया। थैंक यू सो मच दोस्तों लव यू ऑल।